जासूसी अंडर माय बुर्का। तीन लड़कियां हिजाब लगाकर बुर्का पहने घूम रही थी, लेकिन एक लड़की के शूज ने एक ऐसा राज खोला कि सब हैरान रह गए। बुर्के में लड़कियां नहीं, कोई और था। आखिर क्यों बुर्के पर मचा बवाल, इस रिपोर्ट में देखिए। मर्दाना चाल, बुर्के पर बवाल। चेहरे पर हिजाब, नकाब ही नकाब। ससुर की जासूसी, बुर्के में दामाद। क्यों दामाद ने बदला गेटअप? ससुर की जासूसी बड़ी भारी। जासूसी अंडर माय बुर्का। इनका गेटअप देखिए, चेहरे पर हिजाब है, हाथों में पर्स और लेडीज सैंडल पहने हुए। दोनों का बुर्का भी एक जैसा है, सेम टू सेम, काला बुर्का और सिल्वर धारी, यानी पूरा तामझाम तैयार था। नजाकत भी थी, लेकिन मर्दाना चाल बाहर आ ही गई। खुद बुर्का पहनी इन मोहतरमाओं ने अपना राज खोल दिया। हाथ में पर्स लिए इन मोहतरमा पर तो किसी का शक नहीं गया, लेकिन इनके साथ मौजूद इनकी दूसरी सहेली के जूते ने पूरा खेल बिगाड़ दिया, राज ही खोल दिया। दरअसल बुर्के में मोहतरमा नहीं बल्कि आदमी निकले। परिवार वालों को शक हुआ तो इनकी क्लास ली गई। सिर्फ एक नहीं बल्कि तीन लोग बुर्का पहन कर आए थे। अब दूसरे आदमी का बुर्का उतारा गया, उसके बाद तो बुर्के पर बवाल ही मच गया। फिर इन जनाब की ऐसी खातिरदारी हुई कि पूछिए मत। बुर्का उतारा गया, फिर जमकर पिटाई हुई। आखिर माजरा क्या है, क्यों बुर्के में ये लड़के आए? भोपाल के बाग सेवनिया थाना इलाके की ये तस्वीर है। जब बुर्का हटा तो सब हैरान रह गए। बुर्के वाले लड़कों ने धमकी भी दी थी। दरअसल राजेश कुमार ने शिकायत की कि उसे धमकी दी गई। बाद में राजेश कुमार की बेटी ने बताया कि बुर्के में उनका पति यानी राजेश कुमार का दामाद बुर्का पहन कर आया था। अमराई क्षेत्र में रहने वाले राजेश कुमार द्वारा शिकायत की गई थी। उसमें उन्होंने बताया था कि दो लड़के उनके बुर्का पहनकर आ गए थे, उनको रोका टोकी की गई थी, तो बुर्का हटाया तो उससे पुरुष निकले थे और उसकी उन्होंने शिकायत दी थी। एक लिखित में शिकायत लेके आए थे और चूंकि धमकी देना बताया था तो हमने एक NCR भी उसमें दर्ज कर ली थी, धारा 352 और इसके अलावा जो फरियाद पत्र उन्होंने दिया है उसकी जाँच भी हमारे द्वारा कराई जा रही है। क्या दामाद अपने ससुर की जासूसी करने आया था? ससुर पर दामाद को शक था, लेकिन किस बात का शक? बुर्के पर बवाल हुआ और शक ने रिश्तों पर सवाल खड़े कर दिए। बाद में उनकी बेटी भी आ गई थी, उसने बताया था कि वो उसी के पति हैं, मतलब राजेश कुमार के दामाद हैं और राजेश कुमार पर कुछ उन्हें संदेह है या जो भी पारिवारिक मसला है उसकी जानकारी लेने के लिए वो गए थे। उसकी एक बहन की शादी होनी है और कुछ पैसे का लेन देन नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ पारिवारिक मसला अभी तक सामने आया है। बाकी आवेदन पत्र ले लिया गया है और जांच में अभी है। जो मामला होगा, जो तथ्य प्राप्त होंगे उसके अनुसार। पारिवारिक विवाद में मचा बवाल, आखिर बुर्के की कहानी क्या है? क्यों दामाद कर रहा था ससुर साहब की जासूसी? भोपाल में वासु चौरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, News 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। चंबल का नाम सुनते ही गोली की बोली याद आती है, लेकिन इन दिनों बंदूक की बोली नहीं बल्कि कचरे वाली बोली सुनाई दे रही है। ये तस्वीर आप भी देखकर हैरान रह जाएंगे कि बिजली विभाग और नगर पालिका परिषद आमने सामने आया तो हुआ दंगल। 3 करोड़ की बिजली बिल पर जो हुआ वो हैरत में डाल देगा। चंबल में गोली नहीं कचरे वाली बोली, बिजली बिल पर बवाल, कचरे वाली चाल। बिजली बिल पर दंगल दंगल, कचरे का ढेर, ऐसे हुआ बैर। दो विभागों में तकरार, कचरा और करार। बिजली कनेक्शन कटा, किसने काटा बवाल?
ये कोई डंपिंग यार्ड नहीं है यानी कचरा खंती जहाँ कचरा फेंका गया, बल्कि गौर से देखिएगा इस जगह को, बिजली कंपनी का दफ्तर है तो दफ्तर के बाहर किसने कचरे का ढेर लगा दिया। आपने ये तो सुना होगा कि कचरा वाला आया जरा कचरा निकाल, लेकिन यहाँ तो नगरपालिका की कचरा गाड़ी आई और बिजली कंपनी के अधिकारियों के दफ्तर के बाहर सारा कचरा डंप कर दिया। तो इस टसल के बारे में सुनिए। यूं तो भिंड में गोली की बोली बोली जाती है, लेकिन भिंड में बोली गई कचरे की बोली। पूरा मामला भिंड में दो विभागों की तकरार का है जो सीधे कचरे तक पहुंच गया। 70 लाख रुपए का, लगभग 3 करोड़ रुपए का जो बकाया चल रहा है, और इनको जो है 24 घंटे का नोटिस भी दिया था, वो तीन घंटे का भी नोटिस दिया गया था, जो इनके द्वारा पैसे जमा नहीं किए गए हैं और जिसकी वजह से जो है प्रारंभिक तौर पर इमरजेंसी लाइट को छोड़ इमरजेंसी व्यवस्था को छोड़ करके अभी इनके कार्यालय का कनेक्शन काटा गया। अब हुआ क्या इसे सुनिए। भिंड नगर पालिका का करीब 3 करोड़ रुपए बिजली का बिल बकाया है, ये कहना है बिजली विभाग के अधिकारियों का। इसे लेकर बिजली कंपनी की ओर से कई बार नोटिस थमाया गया और नगर पालिका दफ्तर पर कंपनी के कर्मचारियों ने बिल जमा करने की गुहार लगाई, लेकिन नगर पालिका की ओर से ना तो बिल जमा किया गया न ही नोटिस का जवाब दिया गया। अब बिजली विभाग ने नगर पालिका के दफ्तर का कनेक्शन काट दिया, उसके बाद तो बवाल मचना ही था। बिजली विभाग के दफ्तर के सामने नारेबाजी हुई, दफ्तर में भी हॉट टॉक हुई। इसके बाद बदला लेने के लिए, या यूं कहें कि बिजली कनेक्शन काटने पर, नगर पालिका भिंड के ये कर्मचारी कचरा गाड़ी लाए और पूरा कचरा बिजली विभाग के अधिकारियों के दफ्तर के सामने फेंक दिया, यानी अब बदला पूरा हुआ। इस पर नगर पालिका परिषद के अधिकारी का क्या कहना है सुनिए। मैं विद्युत विभाग के द्वारा जो भी जलकर हो या विद्युत लाइट हो, स्ट्रीट लाइट हो, उनके प्रॉपर बिल हर माह जमा किए जा रहे हैं। फंड चूंकि नकायम अभी शासन से प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए इस माह राशि जमा न होने की वजह से विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा नकाय की लाइट काट दी गई है, जो बिल्कुल गलत है। इस तरह की कार्रवाई नहीं करना चाहिए था। वो तो उनके पास कोई ऑथेंटिक रिकॉर्ड नहीं रहता है एमपीबी के पास में, जबकि हर माह मैंने 18 तारीख को 20 लाख रुपए जमा किया है और फिर भी कह रहे मेरे पास पैसा नहीं आया, जबकि मेरे पास में ट्रांसपोर्ट जो कनेक्शन हो रहा है, जो राशि जमा की गई है, उसकी मैंने उनके अधिकारियों को रसीद भी अवेलेबल कराई है, लेकिन 18 तारीख को 20 लाख जमा हो गया। जैसे कनेक्शन कितना एक दिन का काम तो काफी प्रभावित होगा, बिल्कुल कार्य प्रभावित हुआ है, इसके लिए हमने उनके ऊपर मानहान का केस करेंगे। नगर पालिका परिषद के कर्मचारियों ने धमकी दी कि अधिकारी के घर पर भी कचरा फेंका जाएगा अगर लाइट नहीं आई तो, और अगर वो नहीं आते तो उनके घर पे भी कचरा रहेंगे जहाँ वो रहते होंगे। तो जी कचरा उठाने की बात करेंगे आपने, कचरा नहीं कचरा तो उठेगा ही नहीं, आएगा गोरी के पास का कचरा आएगा ना जो वहाँ का, फिर ये 4-5 दिन की छुट्टी रहेगी जब तक कचरा पड़ा। 3 करोड़ का टैक्स नगर पालिका परिषद पर बकाया है, तो उधर नगर पालिका परिषद की दलील कि बिजली विभाग पर टैक्स बकाया है। दो विभागों की इस तकरार में आखिरकार जब किरकिरी हुई तो नगर पालिका परिषद ने कचरा उठवाया। भिंड में रवि रमन त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और अब आपको दारोगा साहब का लुंगी अवतार दिखाते हैं। आपको भी लग रहा होगा पुलिस वाले तो वर्दी में होते हैं, लेकिन ये दारोगा साहब जरा हटकर हैं। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। थाना भी हमारा है तो राज भी हमारा, हुक्म भी हमारा। दारोगा साहब, माना आपके टेरर से सब डरते होंगे, आपके हाथ के नीचे काम करने वाले कर्मचारी सलाम ठोकते होंगे, लेकिन दारोगा साहब ये भूल गए हैं कि ये थाना है, उनका घर नहीं। सिविल ड्रेस भी इन्होंने नहीं पहनी है, सीधे लुंगी में ही बैठ गए। उसके बाद ये तस्वीर देखिए, दारोगा साहब का गुस्सा उफ। मऊगन जिले के पुलिस चौकी में पदस्थ दारोगा का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दारोगा जी लुंगी लगाकर ना सिर्फ पुलिस चौकी के अंदर घूमते नजर आ रहे हैं, बल्कि चौकी के अंदर फर्श पर बैठी फरियादी महिला को फटकार भी लगा रहे हैं, भगाते हुए नजर आ रहे हैं। जरा उनके सुर सुन लीजिए। चलो,
ये मामला मऊगंज जिले के हाटा पुलिस चौकी का है। इस मामले में एसपी ने वायरल वीडियो के जांच के आदेश दिए हैं। 24 अक्टूबर की शाम का ये वीडियो बताया जा रहा है, जहां चौकी प्रभारी दारोगा बृहस्पति पटेल का लुंगी लगाकर चौकी में ड्यूटी करने का वीडियो वायरल हुआ था। फिलहाल इस वायरल वीडियो को खुद मऊगंज एसपी ने संज्ञान में लिया है। पटेल है, उनका एक वायरल हुआ वीडियो, इसमें ये देखा गया कि वो लुंगी पहन के ड्यूटी पे है और एक महिला अभिजीता से चर्चा कर रहे हैं। ये वीडियो वायरल होने पर तत्काल संज्ञान में लिया गया, उन्हें तत्काल पुलिस को नोटिस करके जांच की जाए। लेकिन ड्रेस में न रहने के बाद सिविल में किस ड्रेस में हो, ये आपत्तिजनक होती है और यही आपत्ति हाटा चौकी में भी हुई और कुछ जगह और पता चला है कि कुछ कर्मचारी इस तरीके से के कपड़े पहनते हैं ड्यूटी के दौरान, जैसे भी चीजें संज्ञान में आएंगी। बता दें कि इस मामले में फरियाद करते नजर आ रही महिला की शिकायत पर ना सिर्फ कार्रवाई कराई गई है बल्कि चौकी प्रभारी के वायरल वीडियो के जांच कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। सतना में शिवेंद्र सिंह बघेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। दमोह में एक छात्रा स्कूल तो गई लेकिन शाम को घर नहीं लौटी। उससे भी हैरान करने वाली बात यह थी कि उसी स्कूल की एक और छात्रा गायब थी। आखिर कहां है लापता लेडीज, देखिए रिपोर्ट। दोनों पक्की सहेलियां जो अपने सीक्रेट्स भी एक दूसरे से शेयर करती थी, दोनों स्कूल गई, दोनों नवी क्लास में पढ़ती हैं। इधर परिवार वाले इंतजार कर रहे थे कि बेटी अब आएगी तब आएगी, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि दोनों लड़कियां स्कूल से घर नहीं पहुंची। दमोह के एमएलबी स्कूल में पढ़ने वाली एक छात्रा जिसके घर वालों का कहना है कि वो उसे सुबह स्कूल छोड़कर आए थे, स्कूल के गेट के अंदर बच्ची को छोड़ा था। 10:30 बजे स्कूल छोड़ा वहाँ से गेट के बाहर, ठीक है। फिर शाम को जब मैं लेने के लिए गया, 4:30 बजे छुट्टी होती है वहाँ पे, 4:30 में जैसे ही लेने के लिए गया वहाँ पे पूरी गर्ल्स बाहर आ गई थी, बस मेरी बहन बाहर अंदर नहीं आई। फिर मैं ऑफिस गया वहाँ पे अंदर एमएलबी ऑफिस स्कूल, तो वहाँ की मैडम ने बोला चांदनी तो स्कूल आई नहीं है, ठीक है। फिर मैंने फिर वहाँ कैमरे में भी चेक करवाया तो कैमरा वहाँ का बंद, अब मेरा तो दिमाग काम करना बंद हो गया था। अब फिर उसके बाद फिर हर जगह देखे। लेकिन शाम को सारी लड़कियां छुट्टी के वक्त बाहर आई लेकिन एक छात्रा नहीं दिखी। परिवार परेशान था, हैरान था, ये सुनकर और भौचक्का रह गया जब टीचर ने ये बताया कि आज तो बच्ची स्कूल आ ही नहीं थी। इधर स्कूल के कैमरे भी बंद थे, कैसे छात्रा का सुराग हाथ लगा सुनिए। अब स्कूल वाली मैडम तो बोल रही है वो तो आज स्कूल आई नहीं है, लेकिन हम वहाँ पे उनको छोड़ के आए हैं, 10:30 बजे छोड़ के आए हैं। अब मैडम बोल रही वो तो सुबह से स्कूल नहीं आई है। मेरी लड़की स्कूल गई, स्कूल लड़का गया छोड़ने, स्कूल के अंदर गेट के बाहर वो तो छोड़ो गेट के अंदर तक, फिर लड़का घर आ गया, 10-5 मिनट तक वहीं बैठा रहा, फिर घर आ गया, फिर 4:30 पे स्कूल गया लेने, फिर स्कूल से निकली नहीं है, कहाँ गई कहाँ नहीं गई हमको कुछ पता नहीं। कहानी उलझती जा रही थी, एक छात्रा के परिवार वाले परेशान थे, स्कूल का कैमरा बंद था, अब बच्ची का सुराग कैसे हाथ लगे। इधर मिस्ट्री और उलझ गई जब दूसरा परिवार भी ये शिकायत लेकर पहुंचा कि उनकी बेटी भी घर नहीं पहुंची है। ये गुमशुदगी दूसरी छात्रा की थी, दोनों छात्राएं एक ही क्लास में पढ़ती हैं, दोनों नवीं क्लास की स्टूडेंट हैं, दोनों लड़कियां पक्की सहेली हैं। अभी शाम के समय महादेव वंशकार अपने 14 साल की बिटिया का गुम इंसान दर्ज कराने आए थे, उनके मुताबिक उनकी बच्ची को सुबह उन्होंने स्कूल छोड़ा था, एमएलबी स्कूल में कक्षा 9वीं में पढ़ती है, और उसके बाद फिर वो शाम को घर नहीं पहुंची। इसी प्रकार उसके लगभग 2 घंटे बाद एक अन्य फरियादी जुगराज लोधी भी आए, जिनके द्वारा बताया गया कि सुबह जो है उनकी बच्ची जो कि 9वीं कक्षा में ही पढ़ती है और उनके साले द्वारा उसे भी स्कूल छोड़ा गया था, लेकिन वह भी घर नहीं पहुँची है। दोनों छात्राओं की क्लास में अटेंडेंस नहीं है, स्कूल के कैमरे बंद हैं, क्या लड़कियां सच में स्कूल नहीं गई थी? अगर स्कूल नहीं गई तो कहां गायब हो गई? स्कूल में सुबह करीब 10:30 बजे बच्ची को छोड़ा गया, कितने देर लड़कियां स्कूल में रुकी फिर स्कूल से चली गई? अगर गई तो गई कहां गई?
दोनों बच्चों के बारे में जानकारी लगी। जुगराज लोधी जो है उन्होंने बताया कि दोनों बच्चियाँ अभी क्लास में पढ़ती हैं और दोनों सहेली हैं आपस में। दोनों का चूँकि नाबालिग बच्चियाँ हैं और इसलिए उनका जो है 363 का अंतर्गत मुकदमा कायम अभी कर लिया गया है और इसकी तलाश पतारसी के आसपास के अभी कंट्रोल रूम में हम फुटेज देख रहे हैं। स्कूल से जानकारी हमने पता करी थी तो वहाँ अभी सीसीटीवी फुटेज की मतलब कि चालू नहीं है या मतलब ख़राब है, वो देख नहीं पाए अभी हम रात के कारण। हालांकि हमारे पास जो शासकीय कैमरा है उसके फुटेज हम देख रहे हैं। क्या कोई उन्हें बहला फुसला कर ले गया या फिर लड़कियां परेशान थी? दोनों सहेलियां एक साथ लापता होना अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहे हैं। दमोह में आशीष जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। इसी के साथ खबरों में इतना ही, नमस्कार।